हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे मोशन के बारे में। देखिए, मोशन जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है पूरे फिजिक्स को समझने के लिए। इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आगे आप जितने भी हायर क्लास में जाओगे, 11, 12, 9 मतलब 10th, इन सभी में आप फिजिक्स का जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे भी फिजिक्स तो हमारी बहुत ही मतलब साइंस की एक जान है, फिजिक्स ऐसा कह लो आप, बट फिजिक्स जो है हमारा मोशन चैप्टर, ये बेसिक सारे डाउट्स को क्लियर करेगा आगे के लिए। अगर आप हायर क्लास में साइंस साइड से जाते हो और कुछ आपने इंजीनियरिंग के लाइन के लिए जाना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट चैप्टर है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन, और मोशन से पहले डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचुरल फिनोमिनाज होती हैं उन सभी फिनोमिनाज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि फिजिक्स का डेफिनेशन मैं लिखता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। इट्स अ ब्रांच साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। सो नेचुरल फिनोमिना की जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लो रोड पे हम चल रहे हैं, सो रोड पे चल रहे हैं, दिस इज नॉट अ फिजिक्स, बट हाउ वी आर एबल टू वॉक ऑन रोड, स्टडी ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड एज फिजिक्स। ओके, या फिर फैन, फैन रन कर रहा है, अब फैन रन कर रहा है, करने दो, क्या जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फैन रन कैसे कर रहा है उसके स्टडी को बोलेंगे फिजिक्स। सो बेसिकली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ये कह सकते हो फैक्ट फिनोमिनाज। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स फिजिक्स का वो, देखिए फिजिक्स एक बहुत ही बड़े लेवल में कैटेगराइज किया गया, अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली डायनेमिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, जो स्टडी ऑफ मोशन मतलब ब्रांच फिजिक्स की, वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। देखिए, डायनेमिक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है? यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है स्टेट की। सही, देखिए स्टेट क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो मोशन में होगा या फिर रेस्ट पर होगा। स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, ये दो तरीके का स्टेट होता है हमारा, यहां पर स्टेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टेट को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन एंड द अनदर इज स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए, मोशन और रेस्ट, इसको हम स्टेशनरी भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा कहीं पे भी, सो दिस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजिशन चेंज नहीं करता है। देखिए, यहां पे टॉपिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए,
हम सबको पता है कि टाइम हमेशा मूव करता रहता है, कभी नहीं रुकता, टाइम कभी नहीं रुकता, सबको पता है। तो टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज शो करता है, चेंज करता है पोजीशन में, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मोशन में होना, स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहता है और टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है, सो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेशनरी। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारे पास एक छोटा सा बॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉल है। अब ये बॉल यहां पर है, कुछ टाइम बाद ये बॉल यहां से मूव करके यहां पहुंच गया किसी भी रीजन से, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, एनी हाउ ये बॉल ए से बी तक पहुंच गया, किसी ने किक कर या एनी हाउ वी डोंट नो, बट बॉल ए से बी तक पहुंच रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पोजिशन जो था, इनिशियल पोजिशन ए था, कुछ टाइम बाद सपोज करते हैं टाइम टी लेता है, टाइम टी में इनिशियल पोजिशन ए से क्या करता है, टाइम पोजिशन बी पे पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल पोजिशन। ठीक है, सो थोड़े टाइम बाद ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी तक पहुंच गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, सो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया, टाइम तो चल ही रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। अगर बात करते हैं रेस्ट की, तो रेस्ट में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है। अब टाइम कितना भी पास हो जाए, टाइम कितना भी गुजर जाए, बट ये ऑब्जेक्ट ना गुजरे गई, जहां पर है वहीं पर रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट शो चेंज इन देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज शो करता है, दैट इज कॉल्ड मोशन, और नहीं करता इज कॉल्ड रेस्ट, और स्टेशनरी भी कहा जाता है इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, चलिए, तो ये हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, दो तरीके का स्टेट होता है। इसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना हमें, दैट टॉपिक इज मोशन। अब मोशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम डिस्कस किया, देखिए मोशन, मोशन है क्या, होता क्या है मोशन। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मोशन, मोशन को अगर हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पोजीशन, राइट। मोशन क्या होता है, इट्स अ फिनोमिना, फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, बेसिकली ऐसे कह लो आप, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ, कह लो स्टडी ऑफ, मतलब कि आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से समझाता हूं कि एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसे स्टडी ऑफ अ फिनोमिना इन विच ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन, मतलब कि फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसी फिनोमिना को हम मोशन कहते हैं, ठीक है। इसको और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली आपको समझना है चीजों को कि ये होता क्या है, बिकॉज हम जिस अभी स्टेज पे हैं, ये नाइन्थ क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं किया तो आगे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सो हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, और तो हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझते चलेंगे। सो बेसिकली मोशन फिनोमिना होता है पोजिशन चेंज होने का। अब मोशन का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं बोलूँ तो मैंने अभी समझाया आपको क्या, कि चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वॉट चेंज इन मोशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंजेस लाता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, तो ये मोशन में होता है ऑब्जेक्ट हमारा। मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, ये सारे मोशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब देखिए मोशन हो गया, मोशन
कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोशन के टाइप्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, पोजीशन। ये पोजीशन जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो समझते हैं पोजीशन होता क्या है, और पोजीशन के साथ साथ समझेंगे एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोशन के लिए रेफरेंस पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी एक आपका रिलेटिव है, वो कहीं से आ रहा है आपसे मिलने के लिए। आपने कह दिया भाई मेरा घर यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर मतलब कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप अपने घर को, कि कहाँ पे आना, उसे नहीं पता कहाँ आना है, तो उसे एक पोजिशन बताओगे कि यू हैव टू कम दैट पोजिशन, इस पोजिशन पर। पोजिशन मतलब क्या हो गया, बेसिकली लोकेशन। सो पोजिशन को हम ऐसा कह सकते हैं, लोकेशन भी कह सकते हैं। पोजिशन मतलब क्या हो गया, एक तरीके का लोकेशन, कि आपको इस लोकेशन पे आना है, दिस इज माई पोजिशन एंड दिस इज माई लोकेशन वेयर यू हैव टू कम। सो आपका फ्रेंड है, आपके पोजिशन पे आना चाहता है, तो पोजिशन पे आने के लिए उसको ये तो बता दे इस पोजिशन पे आना है, लेकिन ये पोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। सपोज करिए कि आपका फ्रेंड बस स्टैंड से आ रहा है, ठीक है, बस स्टैंड है, यहाँ पे बस स्टैंड है और आपका घर यहाँ पर है। ये अच्छा वाला घर बना दिया हमने, हालांकि घर ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है, ठीक है। ठीक है, ये बढ़िया सा घर बना दिया हमने, ये लगा दिया, ठीक है, ये घर है। सो आपका फ्रेंड बस स्टैंड से आपके घर तक आना चाहता है, ठीक है। सो आपको बोलना है कि आपको ये बताना है कि बस स्टैंड से आपका घर जो है वो 20 मतलब कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे मान के चलो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। सो आपने यहां पे एक रेफरेंस तो लिया ना, रेफरेंस का लिया आपने कि आपका जो घर है वो बस स्टैंड से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, क्या, बस स्टैंड आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे से रिलेट करते हैं कि इससे यहां पे, इससे यहां पे, इससे इतनी दूरी पे, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो आपको बोलोगे कि भाई बस स्टैंड है, बस स्टैंड से तो 100 मीटर की दूरी पे आना है, किधर आना है पता ही नहीं है, वो इधर जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, हमें नहीं पता। सो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बस स्टैंड से तुझे आना है सपोज कर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, 100 मीटर। तो वो बस स्टैंड से 100 मीटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको मिल जाएगा घर, उसको आपके घर मिल जाएगा एक्चुअली। सो बेसिकली क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेते हैं, इस अ पॉइंट विच रिलेटिव कर रिलेट करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को, एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए सपोज करिए कि एक आदमी है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एक दूसरा आदमी ऐसे मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, ए है और बी है। अब यहां पे एक तीसरा आदमी है, ठीक है, बढ़िया वाला आदमी है, यहां पे ये भी सूट बूट पहन के घूम रहे हैं बिल्कुल मस्त तरीके से। हाँ, अब तीसरा आदमी ये इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है ये। अब इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड अलग होगी, इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड अलग होगी, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी इसकी स्पीड दोनों की अलग होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड अलग होगी। बेसिकली क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है, एक रेफरेंस होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो दो चीजों को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसा समझ लीजिए चीज को, ठीक है, चलिए आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा। रेफरेंस पॉइंट के बाद हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्पॉन्ट टाइप्स ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से चैप्टर का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम। चलिए आगे बढ़े, तो यहां पर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए मोशन जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमें किस तरीके से टाइप लेना है ये भी समझना जरूरी। सपोज करिए कि एक मोशन है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो अलग अलग ट्रैक पे मूव करते हैं। सो ट्रैक के बेस पे अगर मैं करना चाहूं तो जो हमारा मोशन होता है, ठीक है, बेसिकली दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ऐसा समझ लीजिए आप। एक तो होता है क्या, अगर मैं
सिंपली मतलब एक्सप्लेन कर तो ट्रैक के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। ठीक है, मोशन जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ के बेस पे हमारे मोशन तीन टाइप के होते हैं, वैसे तो चार होते हैं, मैं आपको तीन समझाता हूं प्रॉपर तरीके से। पहला होता है हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कौन सा, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है लीनियर मोशन। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, और इसका एक सबसे बेस्ट और कॉमन नेम जो है मोशन इन वन डी भी कहते हैं, मोशन इन वन डी, या फिर इसका ऐसे लिख लो वन डी। ठीक है, सो बेसिकली ये इसलिए क्योंकि हम इसमें एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस चीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, समझते क्या होता है सर्कुलर मोशन, क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, उस मोशन को या उस तरीके की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा अर्थ है सन के अराउंड में रोटेट करता है, दिस इज सर्कुलर मोशन। या फिर आप ऐसा कह लो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करते हैं, दिस ऑल आर द सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके बाद एक आता है पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा मोशन जो कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करे, जैसे कि रिस्ट वॉच वाला मोशन हो गया, वो पीरियोडिक मोशन होता है। पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम ले लिया हमने ऐसे, ये इस तरीके से यहां से यहां तक यहां जाता है, रोटेट करता रहता है ऐसे ऐसे और ऐसे रोटेट करता रहेगा, दिस इज द पीरियोडिक मोशन। इसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं, ध्यान रखिए ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं, और सर्कुलर मोशन को हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, इसको लीनियर मोशन कहते हैं, ये वो मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक स्ट्रेट पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ये एक बस है, सपोज करिए डायग्राम थोड़ी सी बेकार बनती है मेरी, ये बस इस स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, ये रोड है इस रोड पे मूव कर रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन, क्यों, क्योंकि लीनियरली मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। सो बेसिकली तीन टाइप के हमारे मोशन होते हैं, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ, देख लीजिए, इस तरीके के मोशन होते हैं ये, जो कि सर्कुलर पीरियोडिक और रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, इस तरीके के डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें समझना है क्या, यहाँ पे हमें समझना है दूसरा कौन सा टाइप हो गया मोशन का। अब मोशन, चलिए ऑब्जेक्ट तीन तरीके के ट्रैक पे मूव करते हैं तो उसके बेस पे हमारा मोशन हो गया तीन तरीके का, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरह के ट्रैक पे करते हैं वो तो हमने पढ़ लिया, किस तरीके से मूव करते हैं उसके लिए हमने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए समझते चीज को। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑपोजिट होता है इसका। ठीक है, ये दो तरह के मोशन, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से होता है। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब यहां पर हमने इस पूरे डिस्टेंस को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, इसको ये बी हो गया, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी और डी हो गया। यहां से यहां का डिस्टेंस है 10 मीटर, यहां से यहां का 10 मीटर, यहां से यहां का 10 मीटर। ठीक है, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक, एक आदमी है सपोज करिए मस्त वाला, ठीक है, ये बढ़िया वाला आदमी है हमारा, ए से सी तक ट्रैवल करता है,
ए से सी तक ट्रेवल करता है और इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगता है 2 मिनट्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को ए से सी तक पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, अगर उसको सी से डी तक पहुंचने में भी 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, या डी से बी तक पहुंचने में भी 2 मिनट लगते हैं, सो दिस कंप्लीट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि हर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है। टाइम कितना था हमारा यहां पे? टाइम था हमारा 2 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना था हमारा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर, और हर किसी में क्या है? ये सेम है, राइट? सो टाइम हमारा और डिस्टेंस दोनों क्या है? सेम है हर केस में। पहले जो पार्ट का मोशन है उसमें भी 2 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेकेंड पार्ट में भी 2 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और थर्ड में भी सेम करता है। सो हर पार्ट ऑफ मोशन में क्या हो रहा है? सेम डिस्टेंस और सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है। सो दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन रादर देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, अब इसको समझते हैं। इस वाले केस को समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि सपोज करिए कि इसने 2 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगले 10 मीटर को ट्रेवल करने के लिए क्या ले रहा है? ये 20 मीटर का डिस्टेंस ले रहा है, और अगले 10 मिनट को करने के लिए कितना ले रहा है? 30 मिनट का। सो इस केस में इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो है सेम नहीं होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि देखिए पहले 10 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में ट्रेवल करता है, फिर 10 मीटर को ही ये 20 मिनट में करता है, स्पीड स्लो हो गई होगी उसकी, अगले 10 मीटर में वो 30 मिनट का टाइम लेता है, मतलब कि और ज्यादा स्लो मूव कर रहा होगा। सो स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, सो बेसिकली टाइम ज्यादा कम हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए सो इसको आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, मोशन समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब देखिए मोशन जो है, मोशन को हमने मेजर करना है। सपोज करें मोशन को हमें समझ में आ गया मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब हम मोशन, मोशन है क्या? मोशन एक तरह की क्वांटिटी होती है। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब चाहे स्पीड हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क हो, एनर्जी हो, पावर है, फोर्स है, इन सभी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। देखिए कैसे, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एज कॉल एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्चुअली इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस बेस पे हम देख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक पार्ट को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं बेसिक, बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल कहते हैं इसको बेसिकली, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरे को कहते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है हमारा, ये फंडामेंटल, ये 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इन 7 को मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि 7 जो है ये आपको हायर क्लास में स्टडी करनी है। सो बेसिकली अभी आप 3 समझ लीजिए। बेसिक जो क्वांटिटी होती है हमारी, 3 कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मास, दूसरा लेंथ, और तीसरा होता है टाइम, ठीक है। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम करते हैं, एक्चुअली मास को तो एम से किया जाता है, लेंथ को एल से किया जाता है, और टाइम को टी से किया जाता है बेसिकली, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं समझा रहा हूं आपको, वैसे 7 टाइप्स की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना हमें इसको, ठीक है।
डेराइव क्वांटिटीज क्या होती है, ये बेसिक क्वांटिटीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब कोई बोले कि ये सब्सटेंस ये सपोज करिए कि कोई सब्सटेंस है 2 किलोग्राम का है, अब 2 किलोग्राम उसकी खुद की क्वांटिटी हो जाएगी, 2 किलोग्राम का है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी इंडिपेंडेंट चीजें हैं वो। तो ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो इसके थ्रू डिराइव करी जाती है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। सपोज करिए कि हमें समझना है क्या, स्पीड को। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आपको पता होगा इसके बारे में। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर, टाइम क्या हो जाएगा सेकंड, सो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो हम फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, मतलब कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी से जिसको हम डिराइव करते हैं, इट्स कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो ये इतना डिटेल में नहीं रखते इसको, इतना रखते हैं, ये पहला टाइप के 2 पार्ट है। दूसरा जो हमारा है क्वांटिटी का, ये वाला पार्ट, इसको यहां समझते हैं। ये क्या होता है, ये 2 पार्ट, 2 तरीके का और होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हमारा होता है, ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे समझिए चीज को, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो एग्जाम में बहुत कम आता है बट ये बहुत आते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, देखिए वो सारी क्वांटिटीज जिसका जिनके पास मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज हो और साथ में डायरेक्शन भी हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वैल्यूज हो उसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका मास होता है, ठीक है ठीक है, इसका स्पीड होता है, क्योंकि मास अगर मैं बोलूँ 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम क्वांटिटी है, ये एक वैल्यू हो गई इतने किलोग्राम की है, लेकिन इसका डायरेक्शन थोड़ी ना कितने किस डायरेक्शन में 100 किलोग्राम, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बेसिकली जिन क्वांटिटीज में सिर्फ वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जिनमें वैल्यूज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो इसको क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड, विद ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो इसका एग्जाम्पल आप ले लो फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि फोर्स सपोज करिए मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाया, मैंने इस ब्लैकबोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाया, या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश किया मैंने, फोर्स लगाया मैंने, कितना कितना न्यूटन फोर्स लगाया है, कुछ क्वांटिटी होगी 10, 12, 50, 100, 200, जितना फोर्स लगाऊंगा ज्यादा उतने न्यूटन की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी तो लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड होते हैं। सो क्या हो जाएगा, फोर्स ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, ठीक है, और भी होते हैं तो यहां पे, और इसके साथ इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, सो वो सारी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज। सो बेसिकली ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फिजिकल क्वांटिटीज के पास एक टॉपिक और आता है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स देखिए ये सारी चीजें सिलेबस में हमारे नहीं है इसको डिटेल में समझाने के लिए, तो शॉर्ट में समझाते हैं यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है किसी चीज का। अगर हमने बोला है कि भाई स्पीड है मीटर पर सेकंड है, तो कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है कितने सेकंड में, तो इन दोनों को मिला के हमने इसकी यूनिट्स बनाई है। सो यूनिट्स आर बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट्स की चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट्स उनकी। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, ओके, हर किसी का अलग अलग। सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर था हमारा, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन एंड ऑल। इसके बाद हम इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड, बाकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं और बाकी इस चीज़ को हम अगली क्लास में समझेंगे। ओके गाइस, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।